नमस्कार, मकराना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी साथ दीपिका। मकराना शहर में बुधवार रात्रि एक तेज गति से बाइक का संतुलन बिगड़ने से बाइक एक ट्रांसफार्मर में घुस गई। बाइक पर दो युवक भी सवार थे। गर्मी तो रही कि समय रहते लाइट चली गई थी। मौके पर मौजूद नगर परिषद कर्मियों ने उन्हें समय पर बाहर निकाल लिया, वरना बड़ी घटना हो सकती थी। जानकारी के अनुसार बुधवार रात्रि करीब 10 बजे बाइक सवार दो जने आरओबी की ओर से नगर परिषद की ओर जा रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक असंतुलित होकर नगर परिषद भवन के पास अग्निशमन केंद्र के बाहर लगे ट्रांसफार्मर में जाकर घुसी। बाइक इतनी तेज गति से घुसी थी कि युवक बाइक सहित बाहर के गुच्छे नुमा के केबल तोड़ते हुए ट्रांसफार्मर के नीचे से निकलकर दूसरी ओर जा गिरा, जिस पर राहगीरों ने अस्पताल पहुंचाया। घटना में बाइक चालक साजिद अली के आंख के पास गहरी चोट लगी है, वहीं उसके साथी शानू गेसावत को चोटें आई है। युवक के परिजन भी अस्पताल पहुंच गई है। लॉकडाउन की अवधि के दौरान कामकाज ठप रहने के कारण मजदूरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसे में मजदूरों की स्थिति को महसूस करते हुए गढ़वा मार्बल व्यापारी एवं पार्षद अब्दुल कयूम भाटी ने अपने प्रतिष्ठान में कार्यरत 130 मजदूरों को मई महीने की एक माह की सैलरी बगैर काम किए प्रदान की है। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में सैलरी नहीं मिलने और इसको लेकर मजदूरों में संशय की स्थिति थी, परंतु गुरुवार को भाटी ने मजदूरों को एक माह की वेतन का भुगतान किया, जिसके चलते मजदूरों ने अपने स्तर पर ही नगर परिषद सभापति समरीन भाटी, उपसभापति अब्दुल सलाम भाटी, थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह चारण, बीसीएमओ डॉक्टर नरेंद्र चौधरी व अंजुमन सहर हाजी नवाब अली रांदड़ को बुलाया और उनके लिए मौजूदगी में उनको व्यापारी भाटी का आभार जताया एवं उनको माला एवं साफा पहनाकर उनको सम्मानित किया। इस अवसर पर सभापति समरीन ने कहा कि पार्षद कयूम भाटी ही उन्होंने आते ही व्यापारियों को भी अपने काम करने वाले मजदूरों व कर्मचारियों के हितों का ख्याल रखना चाहिए, वे ही हमें कामकाज देते हैं। उपसभापति अब्दुल सलाम भाटी ने कहा कि कयूम भाटी ने मकराना में अच्छी पहल की है, जिसका अन्य लोगों को भी अनुसरण करना चाहिए। मजदूर पेशा लोग अपने कारखाना या खान मालिक के भरोसे ही तो हैं, उनके हितों का ख्याल रखना जरूरी है। थाना अधिकारी चारण व बीसीएमओ डॉक्टर नरेंद्र शर्मा ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सीख देते हुए कहा कि कोरोना महामारी की अब तक दवाई नहीं बन चुकी है, तब तक इससे लड़ते हुए जीना है। कोरोना खत्म नहीं हुआ है, जिसके चलते लापरवाही न बरतें एवं सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें। ये महीने की दो महीने की तनख्वाह भी अपनी तरफ से दी है, ना तो किसी पेशगी में लिखी और ना कुछ इन्होंने पेशगी की क्या कुछ कहा। और ये सभी जो कारीगर है वो हम सोच में पड़ गए थे जब लॉकडाउन लगा था तब के क्या करेंगे अल्लाह क्या करेंगे हम, लेकिन इनका मैं बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और हमारे घर की भी बच्चों की भी दुआ इनकी लग रही है कि हमें कुछ सोचना भी नहीं पड़ा, इन्होंने खुद चला ये फोन किया हमें कि कुछ चाहिए तो बता देना, और हमने एक फ़ोन किया और कुछ ठेकेदार ऐसे भी रहते हैं कि फ़ोन भी नहीं उठाते, लेकिन उन्होंने खुद चला कि फ़ोन किया है कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बता देना। लेकिन अल्लाह का कर्म ऐसा हुआ कि इन्होंने एक फ़ोन पे फ़ोन उठाया और हमने जो भी डिमांड की उन्होंने फ़ौरन वो हमें दे दी। और ये सभी जो वर्कर है सब गरीब तबके के मजदूर है, लेकिन इन्होंने अल्लाह ताला इनको और ज़्यादा दे और हमारे बच्चों की भी दुआएं लगी इनको, इन्होंने हमारा ऐसा ध्यान रखा कि हम। मकराना जलदाय विभाग के उच्च अधिकारी पर्यावरण प्रेमी गोपीचंद वर्मा कोरोना वॉरियर्स के रूप में कर्तव्य निष्ठ के साथ अपनी ड्यूटी का निर्वाह कर रही हैं। वहीं उनकी पत्नी वीणा वर्मा भी पर्यावरण मित्र के रूप में अभियान चलाकर कोरोना वॉरियर्स की भूमिका अदा कर रही हैं। इस भीषण गर्मी में गोपीचंद वर्मा ने अपने कार्य करने का दायरा और व्यापक कर दिया है। आमजन मवेशियों के साथ साथ पेड़ पौधों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए समर्पित होकर अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दे रही हैं। गोपीचंद वर्मा की धर्म पत्नी वीणा वर्मा भी पर्यावरण बचाओ इस मुहिम में अपने पति को पूर्ण रूप से सहयोग कर रही हैं। वीणा वर्मा का कहना है कि जल जंगल और जमीन तीनों प्रदूषण मुक्त हो तो जीवन स्वर्ग बन जाए। हमें पर्यावरण सुरक्षा कार्यक्रम को लगातार जारी रखना होगा, धीरे धीरे सही हम अपने नए इरादों में सफल जरूर होंगे। जलदाय विभाग मकराना में कार्यरत अधिकारी गोपीचंद वर्मा ने हाल ही में कार्यालय सहित कई सार्वजनिक स्थलों पर पौधे लगाए और उनकी सुरक्षा सेवा में जुटे हैं। वर्मा ने पर्यावरण सुरक्षा के लिए पॉलीथीन दुष्प्रभाव को सबसे बड़ा खतरा बताया है। वर्मा ने आमजनों को पॉलीथीन का उपयोग न करने के लिए प्रेरित किया। वर्मा की जीवन संगिनी वीणा वर्मा ने पिछले कई वर्षों से पॉलीथीन इनका उपयोग नहीं हो इसके लिए जागरूकता अभियान चला रही है।
मिठुड़ी कस्बे में टावर के पास स्थित देवनारायण मंदिर परिसर में दिव्यगंत लोकप्रिय कांग्रेस नेता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर गुरुवार को प्रातः 10 बजे श्रद्धांजलि पूर्वक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कस्बे के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पायलट की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं जगदीश गुर्जर ने पायलट को किसानों व मजदूरों का मसीहा बताते हुए पायलट की जीवनी पर प्रकाश डाला। इस दौरान मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए सादगी के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मिठुड़ी देवासेना अध्यक्ष राजू राम बारवाल, पूर्व राजीव गांधी, ब्रिगेड जिला उपाध्यक्ष जगदीश गुर्जर, भवनलाल चेची, राम महेश्वर गुर्जर, रामनारायण राजू चेची, केशवीर गुर्जर, दया चेची, राजेश गुर्जर, पूर्णमल गोपाल सोरठ आदि लोग मौजूद रहे। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद लगातार जिले में आंधी और बारिश का दौर जारी है। कई जगहों पर आसमान में बादल छा गए हैं और तेज अंधड़ के साथ कई जगहों पर बारिश हुई, जिससे कई जगह सैकड़ों पेड़ पौधे गिर गए और उस छप्पर भी उड़ गए, तो विद्युत पोल क्षतिग्रस्त होकर दयाशाही हो गई। कुचामन, डिडवाणा, मकराना, डेगाना, जायल, लाडनू, कोलिया, मौलासर क्षेत्र में भारी अंधड़ से कई बिजली के पोल टूट गए। इसके बाद तेज बारिश भी हुई, तेज अंधड़ से जनजीवन प्रभावित हुआ। ललासरी GSS पर बिजली गिरने से OCD चल गई और गणेशपुरा में एक बकरी मर गई। इस तरह नावा, शेरानी, मंगलाला, गच्चीपुरा, बंडू, हरनावा, लादड़िया, दयालपुरा में भी अंधड़ ने जनजीवन प्रभावित हुआ। नावा में 4 घंटे बिजली गुल रही, पर बसर में 12 पोल टूट गए। डेगाना में धूल भरी तेज आंधी के साथ बारिश हुई। जिले भर में पिछले 3-4 दिनों से आ रही तूफानी आंधी और बारिश के चलते बिजली व्यवस्था पूरी तरह गड़बड़ाई हुई है। पशु पक्षियों की सेवा करना वैदिक संस्कृति का हिस्सा है। मनुष्य को अपनी संस्कृति की पालना करते हुए इसके अनुसार अपना जीवन जीना चाहिए। ये बात लावटेश्वर महादेव के महंत मनोज गुरु ने राजस्थान राज्य भारत सरकार गाइड स्थानीय संघ प्रबत्सर के परिंडा अभियान के तहत की है। उन्होंने कहा कि भगवान के 24 अवतारों की सभी कथाओं में पशु पक्षियों के प्रति उनके असीम स्नेह के अनेक उदाहरण आते हैं, जिनमें मनुष्य को प्रेरणा लेकर अपने जीवन में भी इन प्रेरणाओं को सेवा कार्य हेतु करना चाहिए। स्थानीय संघ सचिव शैलेश कुमार फलोड ने बताया कि स्थानीय संघ के स्काउटर सुभाष पारिक, दीनदयाल ओझा, सागर ओझा, रोवर सुनील सोनी, गोविंद प्रजापत, सुरेंद्र दीक्षांत सेन के द्वारा पर्यावरण दिवस में काफी परिंदे व चुग्गा पत्र अभियान के तहत गुरुवार को लावटेश्वर महादेव मंदिर परिसर में टिन एवं मिट्टी से बने आधुनिक परिंदे एवं चुग्गा पत्र लगाए गए। पतोड़ ने बताया कि नागौर CEO मोहम्मद अशफाक पवार के निर्देशन में जारी इस अभियान के तहत स्काउट द्वारा अभी तक 80 परिंदे लगाए जा चुके हैं। इस अवसर पर नगर पालिका के पार्षद हेमंत गौड़, सौरभ गौड़ भी उपस्थित थे। किसानों के मसीहा पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि कुचामन सिटी में गुर्जर समाज ने प्रेरणा दिवस के रूप में मनाई है। पुण्यतिथि पर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के नागौर जिला अध्यक्ष हनुमान प्रसाद गुर्जर ने बताया कि राजेश पायलट साहब ने कहा था कि जब तक गरीब किसानों व मजदूरों के बच्चे पढ़ लिखकर अनु कुर्सियों पर नहीं बैठेंगे, जहां देश की नीतियां बनती है ये क्रियान्वित होती है, तब तक देश की हालत संभव नहीं है कि सुधर सके। राजेश पायलट साहब किसानों व गरीबों के हितैषी थे। इस दौरान सभी वक्ताओं ने अपने विचार रखे व राजेश पायलट साहब के पद चिन्हों पर चलने की बात कही। इस मौके पर अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल भाटिया टोरडा, हिंदू युवा वाहिनी के तहसील महामंत्री एडवोकेट हीरालाल गुर्जर, बीएल गुर्जर प्रतिहार सुरेश गुर्जर, काम हाकला टोरडा, भीवाराम भाटिया, राकेश गुर्जर, विक्रम गुर्जर, राकेश गोड़, महेंद्र प्रजापत सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। राजपूत जन परिषद के तत्वाधान में राजपूत समाज ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर समाज के लोकतांत्रिक व राजनीतिक अधिकारों का हनन होने पर नाराजगी जताई है और इसके लिए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की है। समाज बंधुओं ने कहा कि हमारे समाज के राजनीतिक व्यक्तियों पर राजनीतिक भावनाओं से जानलेवा हमले जैसी घटनाएं हो रही है। सरकार ने समय रहते दोषियों पर कार्रवाई नहीं की तो मजबूरन हमें आंदोलन की राह अपनानी पड़ेगी। इस मौके पर दिलीप सिंह नगवाड़ा, श्रीराम राजपूत जन परिषद जिला अध्यक्ष नागौर राजेंद्र सिंह, प्रेमपुरा कृपाल सिंह, मान सिंह राठौड़, हिम्मत सिंह राठौड़, रविंद्र सिंह शेखावत कुचामन सिटी, घनश्याम सिंह शेखावत कुचामन सिटी, हिम्मत सिंह शेखावत कुचामन सिटी, जब्बर सिंह आदि उपस्थित थे। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को लेकर बढ़ रही सरगर्मियों के बीच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 2 विधायक भोपालगढ़ व मेड़ता कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं। ऐसी खबरें सोशल मीडिया से उठने के बाद गुरुवार शाम को मेड़ता विधायक इंद्र देवी बावरी ने एक बयान जारी कर कहा कि ऐसी खबरें सरासर झूठी है। सत्तारूढ़ पार्टी के दबाव में आकर कुछ झूठ अफवाहें के रूप में न्यूज चैनल में चलाई जा रही है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 2 विधायक भोपालगढ़ व मेड़ता कांग्रेस पार्टी के संपर्क में है, यह न्यूज बिल्कुल झूठी है और इससे 2 वर्ष पूर्व किसी भी पार्टी से जुड़ी हुई नहीं थी। मैंने 2018 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से प्रथम बार चुनाव लड़ा और RLP के
हनुमान बेनीवाल के सपोर्ट पर जन समर्थन से विधायक बने और मैं इतनी कमजोर नहीं हूं कि सत्ताधारी पार्टी के दबाव में आकर अपने जमीर व ईमान को बेच दूं। मैं सत्ता में रहूं या विपक्ष में रहूं, जिस पार्टी से जुड़ी हूं उस पार्टी के लिए हमेशा समर्पित रहूंगी। मेरा मानना है कि जमीर व ईमान का कोई मोल नहीं होता और इसको मैं कभी भी दांव पर नहीं लगाऊंगी। पार्टी से संबंधित आधिकारिक बयान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल देंगे। मैं तो केवल इतना कह सकती हूं कि मैं किसी भी पार्टी के संपर्क में नहीं हूं, केवल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता व विधायक के रूप में काम करूंगी तथा राजनीतिक दृष्टि से मैं हमारी पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के निर्देशन अनुसार चलूंगी। मोदी सरकार का दूसरी बार सत्तासीन होने के बाद एक वर्ष पूरा होने पर जनता अभिवादन व विश्वास पर धन्यवाद पत्रक देने हेतु बोरावड़ के मंडल के बूथ व शक्ति केंद्र पर संपर्क अभियान किया गया, जो नीमड़ी बिलसलपुर बेसलोरी कालवा भिचावा झांकली सातों ग्राम पंचायत में बूथ संपर्क पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वही मोदी के कार्यकाल के बारे में सबको अवगत करवाया। मोदी के एक वर्ष पूर्ण होने पर और आत्मनिर्भर स्वदेशी अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया और किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष माधोराम, जिला उपाध्यक्ष रमेश बोरावड़, मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा द्वारा महामंत्री दीनदयाल भाटी और मंडल कार्यकर्ता सुरेश शर्मा, घनश्याम शर्मा, मूलचंद मेघवाल, संदीप शर्मा, सुरेश नायक, पवन शर्मा, राजेश कुराड़िया, परमा राम कुराड़िया, सरपंच उमा राम रिवाणा, महावीर पारिक गोविंद, पारिक विष्णु जोशी, हनुमान प्रजापत, धर्माराम लोचर, युवराज सिंह राठौड़ कालवा, सरपंच दिलीप सिंह, ईश्वर सिंह, भंवर सिंह, इंद्रजीत सिंह आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ की दहेज मुक्त हो शादी अभियान सहित दिशा में नजर आ रहा है। मकराना पंचायत समिति के ग्राम गच्चीपुरा में इसकी मिसाल देखने को मिली। दिलीप सिंह शेखावत महरौली के सुपुत्री बुलबुल उर्फ दीपिका कंवर की सगाई गच्चीपुरा के पूर्व सरपंच ठाकुर सज्जन सिंह के पुत्र दलपत सिंह गच्चीपुरा के सुपुत्र यशवंत सिंह राठौड़ के साथ हुई। सगाई का में प्रत्यक्षी से ब्रह्मेंद्र सिंह जाखली ने बताया कि दोनों पर विचारों ने लड़की देखने व देखने के बाद बच्चे के हाथ में पैसे देकर दस्तूर आदि नहीं करने का फैसला किया। ऐसे में दोनों परिवार दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ के कार्यकर्ता होने के कारण खुशियां डबल हो गई। साधारण तरीके से 5 लोगों की मौजूदगी में दस्तूर का कार्यक्रम हुआ। दोनों दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ के कर्मठ व सुजारू थे, जिन्होंने दिखावे के बच्चों की सगाई की है और शादी भी बिना दहेज के 1 रुपये नारियल में करने की समाज के समक्ष घोषणा की। सामाजिक सरोकार की इस पहल के लिए दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से दोनों परिवारों को शुभकामनाएं दी गई। ज्ञात रहे कि दलपत सिंह ने अपने ज्येष्ठ पुत्र कुलवंत सिंह की शादी भी 1 रुपये नारियल उपहार स्वरूप लेकर संपन्न की थी। उन्होंने कहा कि घर की रौनक बहू ही है, हमारे लिए सबसे बड़ा धन है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।